पीठ और पीठ के निचले हिस्सों में जोड़ों में मांसपेशियों के खिंचाव के कारण दर्द और प्रेगनेंसी का जैसे ही नवा महीना लगता है तो डिलीवरी को लेकर गर्भवती महिलाओं के मन में काफी ज्यादा उथल पुथल शुरू हो जाती है कि अब बस डिलीवरी होने वाली है, लेकिन ये भी शंका रहती है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन से। तो अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है तो उसके कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि आपको कुछ हफ्तों पहले ही दिखने लग जाते हैं। कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी अब कुछ टाइम बाद होने वाली है। तो क्या क्या होती है नॉर्मल डिलीवरी में वो चीजें, वो संकेत, वो लक्षण, लेकिन आपको बता दूं कि हर महिला की बॉडी अलग होती है, महिला की प्रेगनेंसी अलग अलग तरीके की हो रही होती है, तो हो सकता है कि कुछ लक्षण उनमें इससे भिन्न हो जो लक्षण मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या क्या होते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण। देखिए दोस्तों, जैसे ही नवा महीना स्टार्ट होता है तो इस दौरान आपका बेबी जो होता है वो हेड डाउन पोजीशन में आ चुका होता है, वो पेल्विस एरिया में अपने सिर को फिक्स करने लग जाता है। जब वो अपने सिर को नीचे को फिक्स कर लेता है तो ऐसे में बच्चा जो है वो मूवमेंट अधिक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो प्रॉपरली ऊपर से लेके नीचे की ओर नहीं मूव कर पाता है। ऐसे में बच्चे की मूवमेंट आपको कम महसूस हो सकती है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, लेकिन आपको बच्चे की मूवमेंट को ट्रैक करते रहना है। दूसरी चीज, इस दौरान रिलैक्सिंग जो हार्मोन होता है वो पेल्विक हिस्से के जोड़ों और लिगामेंट्स को रिलैक्स और मुलायम कर देता है, जिससे कि जोड़ इस दौरान ढीले महसूस होने लगते हैं। तीसरी चीज, इस दौरान महिलाओं को ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन हो सकते हैं, इन्हें फॉल्स लेबर पेन कहा जाता है। ये उसी तरीके का पेन होता है जो डिलीवरी से ठीक पहले महिलाओं को होता है, लेकिन ये डिलीवरी पेन नहीं होता है, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शन आपको इस दौरान हो सकते हैं। चौथी चीज, जैसा कि दोस्तों आपके गर्भाशय में बच्चे का सिर इस दौरान मूत्राशय की ओर आ चुका होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव डालता है जिस वजह से आपको बार बार इस दौरान पेशाब आ सकती है। पांचवी चीज, इस दौरान गुदा क्षेत्र की जो मांसपेशियां होती है वो रिलैक्स होने लग जाती है और मल त्याग आपको काफी ज्यादा पतला होने लग जाता है। छठी चीज, इस दौरान आपको पीठ और पीठ के निचले हिस्सों में जोड़ों में मांसपेशियों के खिंचाव के कारण दर्द और ऐंठन की समस्या बनना शुरू हो जाती है। और सातवीं चीज, इस दौरान आपकी गर्भाशय ग्रीवा चौड़ी होने लग जाती है। जब आप डॉक्टर चेकअप पे जाएंगी तो आपकी डॉक्टर इस चीज को चेकअप करते हैं कि आपकी गर्भाशय ग्रीवा यानी कि आपके गर्भाशय का मुंह खुलने लग गया है। उसका मुंह कुछ सेंटीमीटर्स के लिए अगर खुलना शुरू होता है, चौड़ा होने लग जाता है, तो ये सारे जो लक्षण होते हैं ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण होते हैं। ऐसे में आपको ये संकेत मिलते हैं कि आपकी डिलीवरी कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो आई होप दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, तो इन चीजों को नोटिस करिएगा अगर आपका प्रेगनेंसी का 9 मंथ चल रहा है, ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही है, या फिर इनमें से कुछ चीजें भी अगर आपके साथ होती है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के संकेत आपको मिलने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी जगह होती है जहां पे आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आर्टिकल के जरिए जो है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी भी टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम खोल लीजिए और इसमें आपको लिखना है www.garbhgyan.com। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और जैसा ये आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, प्रेगनेंसी, गर्भधारण, बेबी केयर और प्रेगनेंसी कैलकुलेटर। प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो ये टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से आपको क्या टॉपिक चाहिए। गर्भधारण से रिलेटेड आपको टॉपिक मिल जाएंगे, यहाँ पे बेबी केयर से रिलेटेड हैं और प्रेगनेंसी गेम्स आप खेल सकती हैं जिससे कि आपके बेबी का ब्रेन बूस्ट हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वेबसाइट garbhgyan.com में मिलेंगी। और इन आर्टिकल्स को अगर आप हिंदी के बजाय इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश का भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप ये आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।